जल्दी वहाँ से हटो। अब हटाओ ना भैया, वहीं खड़े हो जाने दो, दूसरी जगह भाग जाओ। देखा था वरना खोपड़ी पर रख दे हैं, इतना भारी भारी सामान उठा रहे थे और उपयोगिता क्रेन की मदद से। सोचो जरा अगर भैया कोई चुटा जाए तो आदमी तो सीधे अस्पताल पहुंच जाएगा। ये लोग कहता है भैया दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, अब क्या बताएं। ना कोई बोर्ड लगाई है, ना गहूँ बैरिकेडिंग करी है, बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या है भैया। हम कहना तो नहीं आपको बता दें कि जो रेलवे वाले भैया ये काम करवा रहे हैं तनिक ध्यान देंगे। अभी सब जने बताओ था कि पटरी बिछ रही है भैया, ये रेलवे क्रॉसिंग नागेश्वरनाथ मंदिर के पीछे का मामला है। ये भैया बगले वाली रास्ता गई है कब्रिस्तान, आप देख सकते हो किस प्रकार की स्थिति, कैसे काम हो रहा, और ये क्रॉसिंग भी टूटा फूटा हो सके भैया तो यह मरम्मत कर देना। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा। शहर का मामला था, नागेश्वरनाथ मंदिर के पीछे पटरी बिछ रही है, काम वाम चल रहा, तो हमने कहा तनिक आपको दिखा दें, लोग तनिक जागरूक बन जाएंगे और रेलवे वाले तनिक ध्यान देंगे, हो सकेगा तो यहाँ भैया काम प्रगति पर है ऐसा कोई बोर्ड लगा देंगे, सावधान। बाकी दूसरी खबर देख लो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आपका स्वागत करती है, लेकिन देखो भैया शीशे के बगल में बैठोगे तो कोई पत्थर मार देगा। आजकल बाराबंकी जिले के बनवा की तरफ बहुत भैया अराजक तो घूमे लाग है, हम नहीं बोल रहे थे। अब देखो तो भैया सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत जोर से वायरल हो रही है, कोनो बताओ पत्थर मार दी, अच्छा लगत है, पत्थर मारना चाहिए, यही बकदा संस्कार है, कौन छपरी है जो भैया पत्थर मारी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार भैया फिर से असामाजिक तत्वों ने पत्थर मार दिया। इससे पहले भी एक बार की घटना हो चुकी है पत्थर मारने वाली, बृहस्पतिवार की सुबह करीबन भैया 10 बजे की घटना बताई जा रही है। जब बनवा गांव से ट्रेन गुजर रही थी तभी अचानक से किसी ने पत्थर फेंक दिया और खिड़की पर देखा तो भैया पत्थर आकर के लग गया। अब या तो बड़ी दुर्घटना होते होते बची है, कहूं शीशा टूट जाता, और शीशा टूटता तो पत्थर कहां जाता, यात्री के मुंह में लगता और कांच भी लग सकता था, तो बड़ी घटना हो सकती थी। यात्री बाल बाल बचे हैं भैया, होना का था, सूचना दी यात्रियों ने तो ट्रेन में जो सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहे वो अलर्ट हो गए और बाराबंकी के रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ भैया सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि रेलवे ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दे दिए हैं और आरपीएफ ने भी केस दर्ज कर लिया। बहुत ही गंभीर मामला है, कायदे से जाँच होनी चाहिए। बताओ पत्थर मारेंगे, कोई भी ट्रेन गुजरेगा तो पत्थर मारेंगे, ये सहूर है, तमीज है, बिल्कुल छपरी है, कहा कुछ कह देंगे दिक्कतें हो जाएगी। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा। अगली खबर देख लेते हैं। अब यू देखो छोटे छोटे बच्चे तो बढ़िया केला भी खा रहे थे, पूरी भी खा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। आज से सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भैया हार्ड कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया है। इसी दरमियान बाराबंकी जिले के शहर के भैया नगर पालिका क्षेत्र के युवकता पिरवटान पश्चिम में पड़ जाते हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, तो छोटे छोटे बच्चन का देखा तो हार्ड कुक्ड वाला भोजन खवा हो जाता है, बहुत मजा आ रहा था, बच्चे खिलखिला रहे थे। अब इस दरमियान भैया सभासद आसमा बानो भी दिख रही थी, सीडीपीओ वंदना जी भी दिख रही थी, सुपरवाइजर प्रेमशिला जी भी दिख रही थी, और आंगनबाड़ी में मौजूद भैया पूनम जी भी दिख रही थी। नीतू जी की भी हर कोई तारीफ कर रहे थे कि नीतू मैडम बहुत बढ़िया भोजन लगा, क्या बात है। और इस दरमियान भैया आप देख सकते हो सुमन जी भी दिख रही थी, बहुत लोग उपस्थित रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभ मैसे हर जुड़ी खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।